भारत के 700 से अधिक जनजातियों में एक नाम बुक्सा जनजाति का भी आता है, जिसके उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं बताई जाती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बुक्सा के पूर्वजों को मराठों द्वारा भगाया गया और वे उत्तराखंड के क्षेत्रों में आकर बस गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजपूत व उनके अनुचर वहाँ से भागकर इस क्षेत्र में बस गए। इसके अतिरिक्त बुक्सा जनजाति का एक समूह खुद को पंवार राजपूत मानते हैं, हालांकि इन सब के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया गया है। तो कौन है ये बुक्सा जनजाति, आइए जानते हैं। जोहार, मेरा नाम है नेहा बेदिया और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बुक्सा जनजाति पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक शेयर भी करें, और हाँ, हमारे चैनल ट्राइबल खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुक्सा जनजाति भारत के उन 75 जनजातियों में से एक है जिसे संरक्षित श्रेणी यानी PVTG में रखा गया है। इस जनजाति की प्रमुख आबादी उत्तराखंड राज्य के तराई भाबर क्षेत्रों में रहती है, जिसमें उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी जिले शामिल है। इसके अलावा एक छोटी आबादी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी निवास करती है। बताया जाता है कि बुक्सा जनजाति सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में बनबसा यानी चंपावत में आकर बसे थे। उत्तराखंड के नैनीताल व उधम सिंह नगर बुक्सा बहुल क्षेत्र है और जिस क्षेत्र में उनकी अधिक संख्या होती है उसे बुक्सार कहा जाता है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बुक्सा जनजाति की जनसंख्या 67,906 है। बुक्सा जनजाति की कोई अपनी प्रमाणित भाषा नहीं है, वे जहाँ रहते हैं वहीं की बोली का प्रयोग करते हैं। हालांकि भावरी, कुमिया, रच भैंसी बोलियों को बुक्सा समुदाय का बताया जाता है। अधिकतम लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि यह मातृभाषा होने के कारण उनके निवास स्थानों में जनसंचार के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बुक्सा जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की बात करें तो वर्ष 1967 में संविधान की धारा 342 के अंतर्गत बुक्सा को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसके साथ उत्तराखंड की 4 अन्य जनजातियों को भी शामिल किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1950 में बुक्सा को अनुसूचित जाति तथा सन 1956 में पिछड़ी जाति में शामिल किया गया था। बुक्सा समुदाय के पहनावे पर गौर करें तो समाज में पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी, पगड़ी आदि कपड़े पहनते हैं, वहीं बुक्सा महिलाएं लहंगा, चोली, ओढ़नी जैसे आदि कपड़ों का प्रयोग करती हैं। बुक्सा समुदाय की सामाजिक व्यवस्था को देखें तो उनके परिवार में भले ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, लेकिन समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। बुक्सा समाज में बहुविवाह प्रचलित रहा करती थी जो अब समाप्ति पर है, और एक विवाह करने को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बुक्सा जनजाति यदुवंशी, राजवंशी, पंवारवंशी, तनवार, परतजा आदि गोत्रों में विभाजित है। विवाह करने के संबंध में गोत्रों का पहचान करना आवश्यक होता है क्योंकि बुक्सा समाज में समान गोत्र के साथ विवाह करना निषेध है। कुछ बुक्सा समुदाय में घर जमाई की भी प्रथा पाई जाती है, जिसमें लड़की विवाह के पश्चात अपने मायके में अपने पति के साथ रहती है। हालांकि इस प्रथा का प्रचलन अब कम हो गया है। यह अधिकतर उन परिवारों में देखा जाता है जिनमें लड़के नहीं होते हैं। इसमें वंश परंपरा पति के नाम से ही चलता है, जबकि संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। इसके अलावा बुक्सा समाज में तलाक करने पर भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि यदि शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के अच्छे संबंध नहीं रह रहे तो रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होता है। बुक्सा जनजाति के धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो प्रमुख स्थानीय देवी देवता में ज्वालपा देवी, साकरिया देवता, हुलका देवी, खेड़ी देवी आदि शामिल है। इसके साथ ही वे हिंदू देवी देवता जैसे महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम लक्ष्मण की भी पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग कल्पित आत्माओं की भी पूजा करते हैं जिन्हें वे बुज्जा कहते हैं। वहीं उनके त्योहारों में चैती, होली, दीपावली, नोबी, गोठरे शामिल है। उनके लिए चैती त्यौहार और मेला प्रमुख होता है जिसे वे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बुक्सा जनजाति की अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन मुख्य है। हिमालय की तराई क्षेत्रों में वे खेती करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। चावल उनका प्रमुख भोजन है, इसके साथ मछली पकड़ने का भी प्रचलन है। बुक्सा जनजाति में मदिरा का सेवन बहुत अधिक है जो उनके अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालता है। शराब के कारण कई लोग अपनी जमीनों को गंवा बैठे हैं और आजीविका के अभाव में किसी तरह जी रहे हैं। बुक्सा जनजाति के लोग पारंपरिक तरीके से अभी भी शिकार करते हैं और जंगल के उत्पादों का भी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं।